फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर ऐसी प्रेम कहानियां सुनने को मिलती हैं जिसमें हीरो हीरोइन साथ काम करते करते प्यार में पड़ जाते हैं। इनमें से कुछ ही प्रेम कहानियां ऐसी रहीं जिन्हें मुकाम मिल पाया। ज्यादातर हीरो हीरोइन की प्रेम कहानी अधूरी ही रह गई। और इस कड़ी में नाम जुड़ता है बॉलीवुड के दो स्टार किड नमाशी चक्रवर्ती और अमरीन कुरैशी का। जी हाँ, सही सुना आपने। जल्द ही बॉलीवुड में अपनी अपकमिंग फिल्म बैड बॉय से अपने करियर की शुरुआत करने वाले इन दोनों ही कलाकारों की भी कुछ ऐसी ही प्रेम कहानी रही है जिसने मुकम्मल होने से पहले ही दम तोड़ दिया। और आज इनकी ये प्रेम कहानी भी उन प्रेम कहानियों की तरह है जिसके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इनका प्यारा सा रिश्ता अधूरा रह गया। तो चलिए जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो के जरिए इन दोनों ही कलाकारों की प्रेम कहानी के बारे में जो पूरा होने से पहले ही अधूरी कहानी बनकर उभरा। तो अगर आप भी इन सभी बातों को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही इन दोनों कलाकारों के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड के दो स्टार किड नमाशी चक्रवर्ती और अमरीन कुरैशी जल्द ही अपनी अपकमिंग फिल्म बैड बॉय के जरिए अपने करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको इनकी अधूरी प्रेम कहानी के बारे में बताएंगे जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। दरअसल दोनों ही कलाकार की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी के दौरान हुई थी। एक ही इंडस्ट्री में होने के नाते दोनों ही कलाकार के पेरेंट्स अच्छे दोस्त भी हैं और जब ऐसे में दोनों की मुलाकात हुई तो धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के नजदीक आए, जहां इनकी रिलेशनशिप की खबर इनके पेरेंट्स को भी अच्छी तरह से पता थी। और इसी को देखते हुए इन दोनों ही कलाकार को बैड बॉय के जरिए इंडस्ट्री में ब्रेक दिया जा रहा है, जहां अमरीन कुरैशी के पिता यानी कि साजिद कुरैशी इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि नमाशी चक्रवर्ती सेटल हो जाए। लेकिन इन सभी के बावजूद कुछ ही समय पहले इन दोनों की राहें अलग हो गईं और इनकी राहें अलग होने की वजह अमरीन कुरैशी के प्रति नमाजी कुरैशी का ओवर पजेसिव हो जाना था, जो बात बात पर उन पर गुस्सा कर जाते। ऐसे में अमरीन कुरैशी ने उन्हें कई बार समझाया कि वो लोगों के सामने इस तरह का बिहेव ना करें, लेकिन नमाशी चक्रवर्ती अमरीन कुरैशी के प्यार को लेकर काफी पजेसिव हो चुके थे और वो अक्सर ही अमरीन कुरैशी के फोटो शूट और इवेंट के दौरान साथ देखे जाते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अमरीन उनके सिवाय किसी और से ज्यादा बातचीत करें। इस वजह से इन दोनों कलाकारों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग और पजेसिव बिहेवियर को लेकर इनका ये रिश्ता टूट गया, जहां जिस वक्त इनका प्यार शुरू होना था तो वहीं इनके प्यार की जगह इनके रूड बिहेवियर ने ले ली और दोनों की राहें अलग हो गईं। तो दोस्तों, क्या आप कहना चाहेंगे इन दोनों ही कलाकारों के बारे में? क्या नमाशी चक्रवर्ती की बात बात पर इस तरह से बर्ताव करना सही था? आप हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी और तमाम अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।